हेलो फ्रेंड्स, मैं अरियंत जी। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी सीए की और खास करके ऑडिट की। तो वापस से जो आईपीसीसी ऑडिट फ्री क्लासेस थे उसका चैप्टर 5 लेकर मैं आ गया हूँ। चैप्टर 5 जो है उसका नाम है फ्रॉड एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर इन दिस रिगार्ड। इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि फ्रॉड क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड क्या होता है, किस तरह का होता है, कौन करता है उसे, क्यों करता है उसे, एंड एज एन ऑडिटर व्हाट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट डू यू हैव टू डू फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रॉड, एंड अगर आइडेंटिफाई हो गया है तो उसे रिपोर्ट कैसे करना है, इस चैप्टर में हम पूरा पूरा देखेंगे। दोस्तों, मैंने इस चैप्टर में खास क्या किया है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने हाईलाइट कर दिए, क्योंकि जो स्टडी मटेरियल मैं यूज कर रहा हूँ वो है इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल। अभी आपको पता है कि वो बहुत ज्यादा कंबरसम है, एक ही चीज बार बार रिपीट होती रहती है, इसलिए टू अवॉइड डुप्लीकेशन एंड आपको एक इजी रेफरेंस देने के लिए जब आपको रिविजन करना हो या एक जस्ट गो थ्रू करना हो, मैंने सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर दिए हैं हाईलाइटर से। अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए हाईलाइटेड तो वीडियो देखते रहिए, उसमें मैं बताऊंगा, उसमें फ्लैश होगा कि कैसे आप वो मुझसे पीडीएफ ले सकते हैं। दैट्स व्हाई प्लीज वॉच द वीडियो इन फुल एंड कंटिन्यू लर्निंग प्रॉपरली ऑडिटिंग। चैप्टर 5 हो गए, 5 चैप्टर खत्म हो गए हैं, वी आर ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। कीप लिसनिंग, मैं अभी फ्लिप स्क्रीन करूंगा अपनी हर बार की तरह और हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड बिफोर दैट सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक इफ यू हैवंट ऑलरेडी। लेट मी फ्लिप द स्क्रीन एंड लेट अस स्टार्ट द क्लासेस। तो दोस्तों, मैंने अपनी स्क्रीन फ्लिप कर ली और जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर है मेरे चैप्टर 5 आईपीसीसी ऑडिटिंग का, फ्रॉड एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर इन दिस रिगार्ड। दोस्तों, मुझे लगता नहीं है कि मुझे समझाने की जरूरत है कि फ्रॉड आखिरकार होता क्या है। इनफैक्ट अभी अगर आप फॉलो करते हैं न्यूज और समझते हैं देखते हैं तो आपको पता रहेगा कि इंडिया में फ्रॉड का सीजन सा चल रहा है, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक का केस हो जहां पर नीरव मोदी इज द मेन अक्यूज, या फिर विजय माल्या हो, या फिर और भी काफी सारे बिजनेसमैन जो स्पेशली ज्वेलरी से रिलेटेड रखते हैं, गीतांजलि ज्वेलर्स भी उनमें से एक हो गए, काफी सारे लोगों पर फाइनेंशियल फ्रॉड के केस चल रहे हैं। इससे पहले अगर मैं पॉपुलर फाइनेंशियल फ्रॉड बोलूं तो वो था सत्यम का केस इंडिया में, जो कि एक लैंडमार्क केस था। फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड होते रहते हैं, टाइम एंड अगेन सामने आते रहते हैं, थोड़े जल्दी आ जाते हैं, थोड़े देरी से आते हैं। इस चैप्टर में हम क्या समझेंगे, इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि फ्रॉड और ऑडिटर का क्या रिलेशन होता है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन आउट ऑफ एन ऑडिटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हेन इट कम्स टू डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। अभी अगर आप पंजाब नेशनल बैंक का केस फॉलो कर रहे हैं तो आपने काफी बार सुना होगा कि एलिगेशंस लग रहे हैं ऑडिटर के ऊपर कि ऑडिटर कर क्या रहा था। 11,000-12,000 करोड़ तक का लोन दे दिया गया विदाउट एनी रीपेमेंट एंड द ऑडिटर नेवर फ्लैग्ड ऑफ। व्हाई वाजंट इट शोन इन द रिपोर्ट्स और व्हाई डिडंट द ऑडिटर अलर्ट द गवर्नमेंट अथॉरिटीज और स्टैच्यूटरी अथॉरिटीज हु वर सपोज्ड टू बी अलर्टेड। तो ये चैप्टर थोड़ा आपको समझाएगा कि एग्जैक्टली ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या होती है, ऑडिटर क्या करता है। उससे पहले लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रॉड। दोस्तों, मैंने इस चैप्टर में क्या किया है, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले, मैंने कुछ हाईलाइट किए हैं, ये जैसे आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर का है जो सेक्शन है पूरे चैप्टर में, क्योंकि इंस्टीट्यूट के मटेरियल में हो रहा क्या है मैं देख रहा हूँ, एक ही चीज बार बार रिपीट होती है अंडर डिफरेंट सब हेडिंग्स एंड द मीनिंग और द आउटकम इज द सेम, इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किया है ताकि आप लोग इजीली पढ़ सकें, समझ सकें। मैं जब समझाऊंगा तो भी मेन पॉइंट्स सब कैप्चर हो जाएंगे, आपको बाद में कभी क्विक रिवीजन करना है तो भी आप ये पॉइंट्स रिफर कर सकते हैं। अभी अगर आपको ये हाइलाइटेड वर्जन जो है मेरे इस चैप्टर का पीडीएफ, अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा कैसे मिल सकता है इस वीडियो के बीच में, तो आप वीडियो सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इफ यू वॉन्ट इट यू विल बी एबल टू गेट इट, ताकि आपको एक क्विक रेफरेंस रहे जब भी आप, आपको वापस से पूरा इंस्टीट्यूट का मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली ये हाईलाइटेड पॉइंट्स अगर आप पढ़ लेंगे तो काफी रहेगा ड्यूरिंग अ रिविजन टाइम। मीनिंग ऑफ फ्रॉड पे जल्दी से आ जाते हैं दोस्तों। स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 240, कौन सा है स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 240? ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफाइंस द टर्म फ्रॉड एज, ये देखिए सबसे पहला चीज, एन इंटेंशनल एक्ट बाय वन और मोर इंडिविजुअल्स अमॉन्ग मैनेजमेंट दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस एम्प्लॉयज और थर्ड पार्टीज इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ डिसेप्शन टू ऑब्टेन एन अनजस्ट और इलीगल एक्टिविटी। दोस्तों, एक चीज तो बहुत क्लियर हो गई इस डेफिनेशन से कि इट इज एन इंटेंशनल एक्टिविटी, इट इज एन इंटेंशनल एक्ट, यानी कि जानबूझ के किया गया एक्ट है। फ्रॉड कभी गलती से नहीं होता, जो चीज गलती से होती है वो होती है एरर, फ्रॉड होता है इंटेंशनली जानबूझ के। कौन करता है, मैनेजमेंट कर सकता है, एम्प्लॉय कर सकता है, जो गवर्नेंस जो टॉप पोजीशन पे वो लोग कर सकते हैं। क्या करते हैं इसमें, डिसेप्शन यूज करते हैं, कुछ गड़बड़ यूज करते हैं, कुछ इल्यूजन यूज करते हैं
ताकि उनको कुछ एडवांटेज मिले, कुछ किकबैक मिले, कुछ एक्स्ट्रा उनको गेन हो, विच नॉर्मल कोर्स में नहीं होना चाहिए था. ऑल द फ्रॉड इज अ ब्रॉड लीगल कॉन्सेप्ट, द फॉर द पर्पसेज ऑफ द एसेज द ऑडिटर इज कंसर्न विद फ्रॉड दैट कॉजेज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्या बोल रहे हैं, फ्रॉड बहुत 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 ही बड़ा एक लीगल कॉन्सेप्ट है, ठीक है. इट इज इमेजरेबल, उतना बहुत टाइप के फ्रॉड हो सकते हैं, बहुत डिग्रीज ऑफ फ्रॉड हो सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ फ्रॉड हो सकते हैं, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग 240, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 240, और फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिटर वी विल बी डीलिंग विद फ्रॉड दैट हैज एन इम्पैक्ट विच कॉजेज अ मटीरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. यानी कि फ्रॉड अगर कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट क्रिएट कर सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो ही उस पर वो ऑडिटर उससे डील करेगा. अभी फ्रॉड कितने, 1000 रुपए का भी फ्रॉड हो सकता है, 1 करोड़ रुपए का भी फ्रॉड हो सकता है, 1 बिलियन रुपीज का भी फ्रॉड हो सकता है. अभी 1000 रुपए का फ्रॉड अगर होता है कंपनी में, तो क्या रियली ऑडिटर को बॉदर करना चाहिए? नहीं, जरूरत नहीं है करने की, क्योंकि यार अब ठीक है 1000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, नहीं होना चाहिए था, बट देन इट इज नॉट समथिंग विच द ऑडिटर हैज टू ब्रेक हिज हेड ओवर और एनीबडी एल्स नीड्स टू नो कि 1000 रुपए का फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ, नोबडी केयर्स. तो दैट इज वाई मटीरियल मिसस्टेटमेंट अगर कर सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो वही टाइप का फ्रॉड कंसिडर करेंगे. दो प्रकार के होते हैं इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट्स विच आर रिलेवेंट टू द ऑडिटर. फर्स्ट इज मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड रिजल्टिंग फ्रॉम मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स. नीचे हम इनको डिटेल में देखेंगे कि व्हाट इज मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड व्हाट इज मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ असेट. उसके पहले देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रॉड क्या है. फ्रॉड इज इंटेंशनल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रॉड अनइंटेंशनल हो ही नहीं सकता. इफ इट इज अनइंटेंशनल देन इट इज एन एरर, इफ इट इज इंटेंशनल इट इज अ फ्रॉड. फ्रॉड जैसे हमने ऊपर पढ़ा दो प्रकार के हो सकते हैं व्हेन इट कम्स टू कंसर्निंग द ऑडिटर, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स. अभी मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स के नीचे क्या हो सकता है, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, यानी कि सामान आपका फर्नीचर फिक्चर जो भी असेट्स है, गाड़ी बंगला इन्वेंट्री कुछ भी जो भी गुड्स हैं. एंड सेकंड इज डिफाल्केशन ऑफ कैश, यानी कि कैश जो आपके हाथ में है उसकी गड़बड़ी. अभी फ्रॉड कब होता है, फ्रॉड वेदर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स इन्वॉल्व्स इंसेंटिव और प्रेशर टू कमिट फ्रॉड. यानी कि मैं क्यों फ्रॉड करूंगा, मुझे मजा तो नहीं आएगा फ्रॉड करने में, कुछ मेरा इंटेंशन होना चाहिए फ्रॉड करने का. देयर हैज टू बी सम रीजन. क्या रीजन रह सकते हैं, दो ब्रॉड रीजन रह सकते हैं. एक कि कुछ इंसेंटिव मिल रहा है, इंसेंटिव मिल रहा है यानी कि हो सकता है मुझे पैसे मिल रहे हैं, हो सकता है मुझे और कोई फायदा हो रहा है, मैं शायद मैं बदला ले रहा हूँ कंपनी से, कुछ भी हो सकता है. एक वजह होनी चाहिए फ्रॉड करने के लिए. या फिर हो सकता है प्रेशर टू कमिट फ्रॉड. अभी प्रेशर टू कमिट फ्रॉड कौन कर सकता है, मैनेजमेंट इज अंडर प्रेशर टू कमिट फ्रॉड. मैनेजमेंट इज अंडर प्रेशर टू कमिट फ्रॉड क्यों, हो सकता है उसे अच्छे रिजल्ट्स दिखाने होंगे, हो सकता है कि उनका सेल्स ये बार उतना अच्छा नहीं हुआ है लेकिन उन्हें थोड़ा बढ़ा के दिखाना है, तो मैं कुछ गड़बड़ कर दूंगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, या फिर मुझे पैसे गायब करने, मुझे पैसे निकालने हैं, इसलिए मैनेजमेंट ने क्या किया कि मैं पैसे निकाल लूंगा. तो उस अंडर प्रेशर है कि जो रिजल्ट्स है वो उतने अच्छे नहीं दिखाने, थोड़े खराब दिखाने, तो ठीक है थोड़ा और गड़बड़ कर दिया. देर कैन बी मल्टीपल रीजंस कि वाई अ मैनेजमेंट इज अंडर प्रेशर. सम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स माइट बी पुटिंग प्रेशर कि यार थोड़ा अच्छा करो, काम अच्छा नहीं हो रहा है. बैंकर्स माइट बी पुटिंग प्रेशर, खुद सेल्फ प्रेशर हो सकता है. एनीथिंग कैन बी देर विच कैन लीड टू कमिटमेंट ऑफ अ फ्रॉड. सेकेंड हो सकता है रीजन है perceived opportunity to commit fraud may exist when an individual believes that internal controls can be overridden. दोस्तों previous chapters में हमने detail में समझा internal control क्या होता है, उसकी importance क्या होती है. अभी अगर मैं एक employee हूँ और मुझे लगता है कि जो internal control है मेरा वो थोड़ा सा weak है, ठीक है, यानी कि अगर मैं थोड़ा सा cash इधर उधर कर भी दूँ तो किसी को पता नहीं चलेगा क्योंकि internal control मेरा उतना strong है नहीं, जो policies and procedures है वो उतने strong है नहीं, then I will commit fraud. ठीक है, नेक्स्ट हो सकता है कि सम इंडिविजुअल पोजेस एन एटीट्यूड कैरेक्टर ऑफ सेट ऑफ एथिकल वैल्यूज दैट अलाउ देम टू नोइंगली एंड इंटेंशनली कमिट अ डिसऑनेस्ट एक्ट. अभी थोड़े लोगों को फर्क नहीं पड़ता, वो लोग बोलेंगे ठीक है यार मैं फ्रॉड करूंगा कोई बात नहीं, मेरी तनख्वाह कम है या फिर मेरे पास अपॉर्चुनिटी है फ्रॉड करने का, कंपनी तो करोड़ों रुपए कमा रही है, मैं भी थोड़े हजार कुछ कमा लेता हूँ, लाखों रुपए कुछ कमा लेता हूँ, क्या होता है उसमें. दैट इज देयर एटीट्यूड, उनका एथिकल वैल्यूज है, उनको कोई वैल्यू ही नहीं है, उनको कोई डर ही नहीं है, उनको
ये फ्रॉड से कोई फर्क ही नहीं पड़ता. दे थिंक दैट ओके डूइंग फ्रॉड इज ओके एंड मेकिंग सम मनी इज ओके, तो इसलिए भी फ्रॉड लोग कर सकते हैं. ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक जो अपन देखेंगे दैट इज फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन्वॉल्व्स इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग ओमिशन ऑफ अमाउंट्स और डिस्क्लोजर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू डिसीव फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स. अभी इसमें बेसिकली होता क्या है, मैं मैन्युपुलेशन ऑफ अकाउंट्स करूंगा. क्यों? ताकि जो रीडर ऑफ माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसको रियल पिक्चर नहीं दिखे. अभी ये रियल पिक्चर क्यों नहीं दिखे, क्या इसका इंटेंशन हो सकता है, अभी मैं अपन डिस्कस करेंगे. तो ये पार्ट अगर आप देखेंगे, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स जो है इट इज नॉट अ वेरी इजी थिंग टू डू. ठीक है, अ क्लर्क और एन अकाउंटेंट एट देयर लेवल एट द लोअर लेवल कैनॉट एक्चुअली डू अ अकाउंटिंग फ्रॉड. इसके लिए चाहिए हायर मैनेजमेंट, दोस चार्ज विद गवर्नेंस जो कीप मैनेजरियल पर्संस है उनका इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है. इसीलिए इसमें बहुत टैक्ट और बहुत इंटेलिजेंस की जरूरत होती है, जिसकी वजह से होता क्या है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू स्पॉट दिस काइंड ऑफ फ्रॉड. क्योंकि जब आप एक गलत काम सोच समझ के सब एंगल देख के दिमाग लगा के पूरे पॉसिबिलिटीज कवर करके एक फ्रॉड करते हो, तब उस फ्रॉड को पकड़ना उतना ही मुश्किल हो जाता है एक ऑडिटर के लिए, बिकॉज जो भी पॉसिबल लूप होल्स हैं आपने ऑलरेडी फिल कर दिए हैं, एंड हेंस ऑडिटर इन द लिमिटेड टाइम माइट नॉट बी एबल टू कैच होल्ड ऑफ सच फ्रॉड. अभी ये फ्रॉड क्यों होते हैं, टू अवॉइड इनकम टैक्स. सबसे कॉमन रीजन यही होगा कि मुझे इनकम टैक्स भरना नहीं है भैया, तो थोड़ा फ्रॉड कर दो, थोड़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मिसअप्रोप्रिएट कर दो, प्रॉफिट की जगह लॉस दिखा दो, या फिर ज्यादा प्रॉफिट की जगह कम प्रॉफिट दिखा दो. फॉर डिक्लेयरिंग डिविडेंड व्हेन देयर आर इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स. अभी कभी कभी होता क्या है, अभी बड़ी कंपनियां जो होती है उनको अपना फेस वैल्यू बचाना है भाई, उनको बताना है कि हाँ हम प्रॉफिट्स में हैं और डिविडेंड बांट रहे हैं. व्हेन यू गिव डिविडेंड्स टू द शेयर होल्डर्स आर ऑब्वियसली हैप्पी, एंड इट इज अ साइन दैट ओके कंपनी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट्स है, इसलिए तो कंपनी डिविडेंड दे रही है. लेकिन कभी कभी होता क्या है, आपके पास शायद पैसे नहीं हो, आपके पास प्रॉफिट्स नहीं है डिविडेंड देने के लिए, लेकिन आपको डिविडेंड देना है अपनी इमेज बनाए रखने के लिए, इसीलिए आप थोड़ा मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे दिखा देंगे आपका रेवेन्यू और डिविडेंड बांटेंगे. या उसका रिवर्स केस भी हो सकता है, टू विथहोल्ड डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड्स, ताकि मेरे पास एडिक्वेट प्रॉफिट होते हुए भी मैं नहीं दूंगा डिविडेंड्स. क्यों, व्हाई शुड आई गिव आउट मनी, स्पेशली अगर क्लोजली हेल्ड कंपनी है, प्रमोटर ड्रिवर बड़ी कंपनी है, वो बोलेगा नहीं यार ये पैसे मैं ही रखता हूँ, आई विल नॉट गिव आउट एनी डिविडेंड्स, इसलिए मैं प्रॉफिट अपना कम बता दूंगा, इसलिए मैं अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मिसअप्रोप्रिएट कर सकता हूँ, गलत नंबर्स बता सकता हूँ. तो फॉर रिसीविंग हायर रेम्यूनरेशन, अभी होता क्या है, हायर रेम्यूनरेशन ऑफ द मैनेजरियल पीपल यानी कि सीईओ और एमडी ये सबका फिक्स्ड होता है आजकल कंपनीज एक्ट के हिसाब से. इट इज सो एंड सो परसेंटेज ऑफ योर नेट रेवेन्यू, सो एंड सो परसेंटेज ऑफ योर प्रॉफिट, सो एंड सो परसेंटेज ऑफ योर एसेट्स. अभी मुझे चाहिए हाई सैलरी, अगर मेरी कंपनी अच्छी कर नहीं रही है तो मुझे हाई सैलरी मिलेगी नहीं, अगर प्रॉफिट नहीं है तो मैं सैलरी ले नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं जानबूझ के प्रॉफिट दिखाऊंगा ताकि मुझे सैलरी मिल जाए. काफी टाइप के फ्रॉड होते हैं, काफी तरह के फ्रॉड्स कमिट कर सकता हूँ, देर आर थाउजेंड्स ऑफ वेज इन विच आई कैन कमिट अ फ्रॉड. थोड़े कॉमन चीजें क्या है, इन्फ्लेटिंग और सप्रेसिंग परचेज एंड एक्सपेंसेस, यानी कि या तो मैं ज्यादा एक्सपेंसेस दिखा दूंगा, ज्यादा फर्जी बिल बना दूंगा, जो एक्सपेंस हुए ही नहीं वो भी एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लूंगा, या फिर मैं सप्रेस कर दूंगा कि एक्सपेंस हुआ है बट आई एम नॉट शोइंग इट, ओनली आई एम कंप्लीटली एलिमिनेटिंग दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन डिपेंडिंग ऑन वेदर आई वॉन्ट टू इंक्रीज माई प्रॉफिट और डिक्रीज माई प्रॉफिट. नेक्स्ट है इस इन्फ्लेटिंग और सप्रेसिंग सेल्स एंड अदर इनकम. सिमिलरली मैं हो सकता है सेल्स बढ़ा के दिखाऊंगा, मैं हो सकता है सेल्स थोड़े कम करके दिखाऊंगा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट आई वांट टू अचीव इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इन्फ्लेटिंग या डिफ्लेटिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, सबसे कॉमन तरीका फ्रॉड करने का सपोज यही है कि इन्फ्लेटिंग और डिफ्लेटिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन. अभी इन्वेंट्री का फायदा क्या है ना, इसमें कोई चिट्ठियां नहीं फाड़नी, जैसे परचेज सेल में बिल फाड़ना पड़ेगा, तो बिल फाड़ेंगे तो आप काफी सारा पेपर वर्क हो जाएगा, इन्वेंट्री में कुछ नहीं करना, इजिली थोड़ी सी इन्वेंट्री गायब हो सकती है, आप राइट ऑफ कर दोगे कि भैया इन्वेंट्री तो गायब हो गई, या बता दोगे कि जितनी इन्वेंट्री है नहीं उससे ज्यादा इन्वेंट्री दिखा दोगे, बोल दोगे हाँ हमारे पास पड़ी है, स्पेशली अगर रॉ मटेरियल होते हैं, टन्स एंड टन्स ऑफ रॉ मटेरियल. अभी आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एक सीमेंट फैक्ट्री ले लो,
सीमेंट फैक्ट्री में जो भी रॉ मटेरियल लगता है, जिप्सम, लाइमस्टोन, ये वो, दे आर इन थाउजेंड्स ऑफ टन्स, ठीक है, रॉ मटेरियल पड़ा रहता है। अभी वो थाउजेंड्स ऑफ टन्स में अगर मैं एक 100-200 टन बढ़ा के बता दूं बुक्स में, तो किसको पता चलेगा यार। इवन इन फिजिकल वेरिफिकेशन आई विल नॉट बी एबल टू इजिली स्पॉट कि भाई कितना इन्वेंट्री है मेरे पास, कितना नहीं है। सिमिलरली बिग कंपनीज विच आर स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री और अक्रॉस द ग्लोब कैन वेरी इजिली ओवरस्टेट और अंडरस्टेट देयर इन्वेंट्री, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट है फेलिंग टू एडजस्ट आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कि मैं बराबर अकाउंटिंग नहीं करूंगा, बराबर से एडजस्ट नहीं करूंगा अपने बुक ऑफ अकाउंट्स पे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सही नहीं करूंगा इन सब चीजों के लिए। नेक्स्ट आता है चार्जिंग आइटम्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर टू रेवेन्यू और बाय कैपिटलाइजिंग रेवेन्यू एक्सपेंसेस, यानी कि अगर मुझे अपना एसेट बेस बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा, जो चीज रेवेन्यू आइटम है यानी कि कोई मेंटेनेंस वर्क है उसको भी मैं एसेट में ऐड करके कैपिटलाइज कर दूंगा, या फिर अगर मुझे अपना एसेट बेस घटाना है तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है मैं उसको कर दूंगा रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर और P&L में राइट ऑफ कर दूंगा। तो डिपेंडिंग ऑन माय वांट, डिपेंडिंग ऑन माय इंटेंशन, डिपेंडिंग ऑन द नीड आई विल डू फ्रॉड एज इज सूटेबल टू मी। अभी देखिए फ्रॉड कैन बी कमिटेड बाय मैनेजमेंट ओवरराइडिंग कंट्रोल्स यूजिंग टेक्निक्स सच एज, तो ये थोड़े टेक्निक्स अभी देखेंगे कि फ्रॉड कैसे हो सकते हैं। दोस्तों एज एन ऑडिटर यू नीड टू नो, यू नीड टू बी अवेयर कि देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड दीज आर सम ऑफ द टेक्निक्स बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन कैन एक्चुअली डू अ फ्रॉड। तो कौन से हो, रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज, यानी कि मैं गलत जर्नल एंट्रीज रिकॉर्डिंग कर दूंगा, थोड़ा ट्रांजेक्शन गलत दिखा दूंगा, तो एक थोड़ा एक सेल्स इन्फ्लेट कर दूंगा, परचेज इन्फ्लेट कर दूंगा या सेल्स कम कर दूंगा, जर्नल एंट्रीज पास करके सैलरीज एक्स्ट्रा कर दूंगा, जर्नल एंट्री पास करके मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ईआरपी सिस्टम, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर भी है, आजकल सॉफ्टवेयर में होता क्या है, सब ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली अकाउंट हो जाते हैं, लेकिन उसमें भी एक ऑप्शन रहता है कि मैं मैनुअल जर्नल एंट्री पास कर सकूं, तो मैं फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज पास करके अपना खर्चा बढ़ाऊंगा कम करूंगा, सेल्स बढ़ाऊंगा कम करूंगा, कुछ भी कर सकता हूं। इन अप्रोप्रिएटली एडजस्टिंग अजम्पशंस चेंजिंग जजमेंट्स, अभी देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, पूरा जजमेंट बेस्ड है, तो जो अकाउंट बैलेंसेस एस्टिमेट करूंगा मैं अपना कुछ भी जजमेंट लगा के ज्यादा भी कर सकता हूँ कम भी कर सकता हूँ, जैसी मेरी मर्जी वैसा मैं उसको जजमेंट करके आई कैन मैनिपुलेट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओमिटिंग एडवांसिंग डिलेइंग रिकग्निशन, यानी कि क्या, डिलेइंग रिकग्निशन ऑफ व्हाट, रिकग्निशन ऑफ माय से इनकम और एक्सपेंसेस, मैं क्या करूंगा, मेरा इनकम ऑलरेडी आ गया है मुझे, ठीक है, बट आई विल नॉट रिकग्नाइज इट इमीडिएटली, आई विल रिकग्नाइज इट 2 months लेटर, आई विल रिकग्नाइज इट 3 months लेटर, दैट इज ऑल्सो मिस अप्रोप्रिएशन। क्यों, बिकॉज मे बी आई वॉन्ट टू डिले शोइंग माई प्रॉफिट, ये साल नहीं दिखा के मैं अगले साल अपना प्रॉफिट दिखाऊंगा ताकि मेरा इनकम टैक्स थोड़ा बच जाए, हो सकता है। Concealing, not disclosing facts. There might be some facts which I have to conceal in the financial statements, but I will not conceal. Engaging in complex transaction. Complex transaction क्या होता है? Merger, acquisition, एक subsidiary company खोलूंगा, 10 subsidiary company खोलूंगा, एक कोई tax haven यानी कि Mauritius में या फिर जो Cayman Islands है वहां पे मैं एक company incorporate करूंगा, फंड ट्रांसफर्स करूंगा यहाँ से वहां, वहां से और कहीं, पूरा घुमाऊंगा फिराऊंगा ताकि कॉम्प्लिकेट हो जाए और उसमें मैं गड़बड़ कर दूं, बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शंस ये सब जो होते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट इवन फॉर द ऑडिटर टू फाइंड अ ट्रेल इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वो बेवकूफ बनाना थोड़ा ईजी हो जाता है मैनेजमेंट के लिए, इसलिए मैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस में एंगेजिंग करूंगा। ऑल्टरिंग रिकॉर्ड, सिंपल है भाई, मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपना ऑल्टर कर दूंगा, ठीक है, गड़बड़ कर दूंगा कुछ, वेरी इजीली आई कैन डू इट। फ्रॉड करना, देखिए ऐसे देखें तो देर आर मेनी मेनी वेज बाय विच यू कैन डू फ्रॉड, इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इफ यू नो द मैनेजमेंट और इफ यू नो द कंपनी इज वर्किंग इन एंड आउट यू कैन डू फ्रॉड। अभी आता है फंडामेंटल क्वेश्चन, व्हाई डू मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज कमिट फ्रॉड। अरे अभी ये तो बात यही हो गई कि बच्चे एग्जाम में चीटिंग क्यों करते हैं, अभी जरूरत है, कुछ तो जरूरत है चीटिंग करने के लिए, इसलिए चीटिंग करते हैं ना, विच शुडंट बी डन। व्हाई डू मैनेजमेंट एम्प्लॉयज कमिट फ्रॉड, लेट्स सी व्हाई दे कमिट फ्रॉड। ये 5 मेजर रीजंस हैं कि फ्रॉड कमिट हो सकता है। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस और प्रेशर, ये किसको होगा, ये होगा आपके मैनेजमेंट को, यानी कि क्या, अभी फर्ज कीजिए रिलायंस कंपनी है, रिलायंस होल्डिंग कंपनी, मुकेश अंबानी साहब टॉप पे बैठे हैं, और है रिलायंस का कोई सब्सिडरी ले लीजिए, आप समझ लीजिए रिलायंस डिजिटल जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स बेचता है, ठीक है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, फिक्टिशियस एग्जांपल, फिक्शन है ये, फिक्शन, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स बेचता है, अभी मुकेश अंबानी बोलेगा जो रिलायंस डिजिटल का जो भी हेड होगा या जो भी रिलायंस डिजिटल सब्सिडरी का सीईओ होगा उसको बोलेगा, भाई मेरे को इतना प्रॉफिट चाहिए तेरे से, वरना
आई विल नॉट बी हैप्पी एंड इट विल इम्पैक्ट योर जॉब। अभी वो बंदा क्या करेगा, वो तो डर गया, वो अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाएगा ही दिखाएगा, चाहे सेल्स हो या नहीं हो। सो व्हाट ही विल डू, ही विल स्टार्ट मैनिपुलेटिंग दी अकाउंट्स। व्हाई? बिकॉज ही इज हैविंग फाइनेंशियल प्रेशर्स फ्रॉम दी टॉप मैनेजमेंट। इसीलिए मुझे फ्रॉड, अभी अभी नौकरी बचानी है तो क्या करूंगा, मैं थोड़ा ऊपर नीचे करूंगा, थोड़ा गड़बड़ करूंगा ताकि मेरी नौकरी बची रहे, मुकेश अंबानी साहब खुश रहे कि हाँ चलो ये ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट बराबर हो रहा है। दैट इज वन रीजन। सेकेंड रीजन इज मैनेजमेंट्स अनरियलिस्टिक गोल्स। अनरियलिस्टिक गोल्स मतलब आई वॉन्ट अ ग्रोथ ऑफ 50% दिस ईयर। लास्ट ईयर तुमने 100 करोड़ का बिजनेस किया, ये बार 200 करोड़ का बिजनेस करो, डबल कर दो। अभी हो सकता है इट इज नॉट रियलिस्टिक। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर मे बी एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स फ्रॉम द कंपनी। एमडी को बोल रहे हैं भाई तुम हमको 1000 करोड़ का प्रॉफिट लास्ट ईयर दिए थे, ये बार 2000 करोड़ का प्रॉफिट दो। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, फ्रॉड करना पड़ सकता है इसके वजह से टू मीट दी एक्सपेक्टेशंस विच आर ऑल्दो अनरियलिस्टिक। नेक्स्ट है डिससैटिस्फाई एम्प्लॉयज और लैक ऑफ मोटिवेशन। अभी एम्प्लॉयज भी क्या कर सकते हैं, वो एम्प्लॉयज देखेंगे यार हम इतना काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, हमें कुछ बेनिफिट तो मिलता नहीं, सब मक्खन मलाई तो ले जाते हैं टॉप बॉसेस, तो हम फ्रॉड करेंगे। हमको चांस मिल रहा है, हमको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो क्यों नहीं करें फ्रॉड, हमें भी तो पैसे थोड़े कमाने दो। क्या सब कुछ सेठ ही कमा के ले जाएंगे, क्या सब कुछ हमारे बड़े साहब ही कमा के ले जाएंगे, हमें भी थोड़ा गड़बड़ करके पैसे निकालने दो। नेम गेम एग्जाम्पल, मैनेजमेंट यूजिंग पावर ऑफ अथॉरिटी बाय आस्किंग एम्प्लॉयज टू डू समथिंग इलीगल। यानी कि आप एक एम्प्लॉय हो, मैं आपका बॉस हूँ, मैं आपको आके बोलूंगा ये गड़बड़ कर वरना मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगा। अब आप बोलो, अब आप डरे हुए हो कि यार बॉस बोल दिए ये गड़बड़ कर नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी, अब मेरा पूरा फैमिली है संभालने के लिए, नौकरी चली गई तो मुश्किल है, दूसरी नौकरी मिलेगी कि नहीं पता नहीं, मजबूरी में आके मैं कुछ गड़बड़ करूंगा जो मेरे बॉस बोल रहे हैं, लेकिन मेरे बॉस का नाम तो आएगा नहीं, मेरा नाम आएगा, बट स्टिल आई हैव टू कमिट फ्रॉड बिकॉज आई एम बीइंग फोर्स्ड टू डू सो, इट कैन बी अ रीजन फॉर फ्रॉड। अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड, ये बड़ा सा सिंपल सा बहुत ही स्वीट सा रीजन है कि भाई अपॉर्चुनिटी है मेरे पास फ्रॉड कमिट करने के लिए। सिंपल सी बात है, आपको छूट दे दी गई है कि जो भी परचेजेस करना है आप अपने आप कर लो, जाके वेंडर से नेगोशिएट करो, जाके प्राइस फाइनल करो और जाके आप ही पेमेंट कर दो। आप क्या करोगे, वेंडर को बोलोगे भाई एक काम कर, 100 रुपए की चीज तू 120 में कोटेशन कर, मैं तेरे को 120 में कोटेशन दिलवा दूंगा, उसके बाद मैं ही तेरे को 120 रुपए पेमेंट भी कर दूंगा, उसमें से 10 रुपए मैं रख लूंगा, 10 रुपए एक्स्ट्रा तू रख लेना, 100 रुपए की चीज 120 में बेच, 10 रुपए मैं रखूंगा, 10 रुपए तू रख ले, दोनों का डबल फायदा हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी है फ्रॉड की क्योंकि शायद इंटरनल कंट्रोल्स नहीं है, कोई और चेक करने वाला नहीं है, एक ही बंदा सब कुछ कर रहा है, अपॉर्चुनिटी है फ्रॉड करने की तो क्यों ना करें भाई, लेट्स डू इट, इफ आई कैन मेक मनी आई विल मेक मनी। दोज हु आर इन पोजिशन ऑफ इन्फ्लुएंस, अभी एक कॉन्ट्रैक्ट आया है, अभी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि आप उसको साइन करके अप्रूव करोगे तो आप क्या बोलोगे वेंडर को कि भाई मैं देख तेरे को फेवर कर रहा हूँ, हाँ तेरा साइन करके दे रहा हूँ, तू भी मेरा जरा ख्याल रख लेना, मुझे कुछ इंसेंटिव किकबैक या जो भी है वो मुझे दे देना, मेरा हिस्सा मेरे घर पहुंच जाना चाहिए। आप फ्रॉड करने की पोजीशन में हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आप फ्रॉड करोगे, सिंपल सा है, बहुत कॉन्सेप्ट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स क्या होता है, एम्बेजलिंग रिसीट्स, यानी कि आप क्या करोगे, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स मतलब बेसिकली आप एसेट्स गड़बड़ करोगे, चुराओगे, कंसील करोगे, छुपाओगे, गायब करोगे, कुछ भी कर सकते हो। एम्बेजलिंग रिसीट्स यानी कि जो आपके रिसीट्स अकाउंट्स रिसीवेबल आते हैं, जो पैसे आते हैं आप रिसीट्स अपने कस्टमर्स को देते हो, उसको आप रिटर्न राइट ऑफ कर दोगे, बैड डेट्स कर दोगे, या फिर जो पैसे आए हैं उनको अकाउंट नहीं करोगे, बाद में दिखाओगे, अगले साल दिखाओगे, अगले महीने दिखाओगे, कुछ ऐसा गड़बड़ करोगे। स्टीलिंग फिजिकल एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और अभी आप क्या करोगे, फिजिकल एसेट है, फिजिकल एसेट का एग्जांपल ले लीजिए, छोटा सा माउस कंप्यूटर का, वो आप चोरी करके ले गए, दैट इज स्टीलिंग ऑफ फिजिकल एसेट। उससे थोड़ा माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप के दोस्तों बहुत महंगा होता है, 50 लाख 1 करोड़ रुपए के जो स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप आते हैं छोटे छोटे होते हैं, मैंने अपने ऑडिटिंग के टाइम पे देखा है कि एक दो माइक्रोस्कोप गायब हो गए, अभी वो किधर गए किसी को नहीं मालूम, तो कंपनी ने क्या किया, राइट ऑफ कर दिया। बट हो सकता है किसी ने चोरी कर लिया हो यार, छोटा सा चीज है, बैग में डाला ले गया, अगर बराबर चेकिंग नहीं किए तो। That can be one type of how you do misappropriation of assets. Colluding with a competitor by disclosing technological data in return for payment. ये बहुत ज्यादा होता है भाई, आप फार्मा कंपनी देखो या ऐसी कंपनी जहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होते हैं। आप क्या करोगे, आप जाओगे अपने, अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, आप अप्रोच करोगे अपने कॉम्पिटिटर को, बोलोगे सर मैं आपको ये सीक्रेट दूंगा, आप मेरे को बदले में क्या दोगे, वो बोलेगा मैं बदले में तुमको 1,00,000 रुपए दूंगा, 1,00,000 रुपए दूंगा, तुम मुझे ये सीक्रेट लाके दे दो, आप लेके जाके दे दोगे,
दैट इज फ्रॉड कमिटेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो कंपनी की थी वो आपने चोरी करके और किसी को दे दी। नेक्स्ट है कॉजिंग एन एंटिटी टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिसीव्ड, यानी कि मैंने फिक्टिशियस वेंडर से बोल दिया तू काम कर दे, यानी कि मैंने वेंडर से सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है वेंडर को, उससे काम ही नहीं करवाया लेकिन पैसे दे दिए। ये दोस्तों गवर्नमेंट सर्विसेज में बहुत होते हैं, स्पेशली अगर आप देखोगे जो रोड्स बनाते हैं आधे टाइम आप देखोगे रोड बने ही नहीं, बट अगर आप कभी ये अपना जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है जो गवर्नमेंट कंपनी को ऑडिट करता है उसमें आप देखोगे कि करोड़ों का बिल कॉन्ट्रैक्टर के नाम पे फटा हुआ है, लोगों को पता ही नहीं चलता कि रोड कब बनी, कहाँ गई, क्या हुआ, लेकिन पैसे तो जरूर दिए गए हैं। तो हो सकता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज मिले ही नहीं उसके भी आप पैसे दिलवाए जा रहे हो और फ्रॉड किए जा रहे हो। नेक्स्ट है यूजिंग एंटिटीज पर्सनल एसेट्स फॉर पर्सनल यूज, यानी कि आप कंपनी का एसेट पर्सनल यूज के लिए कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो कंपनी का एसेट गिरवी रख के पर्सनल लोन ले रहे हो या फिर एक रिलेटेड पार्टी को लोन दिला रहे हो, दिस ऑल्सो इज वेरी मच पॉसिबल। ये एग्जाम्पल जरूर पढ़िएगा दोस्तों, यू विल गेट अ बेटर पर्सपेक्टिव। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, अभी जो फ्रॉड होते हैं मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। इसमें अभी होता क्या है, अभी हजारों एसेट से कंपनी में, अगेन लेट मी टेक अ एग्जांपल ऑफ बिग कंपनी, आदित्य बिरला का एग्जांपल लेता हूँ, उसके थाउजेंड्स ऑफ बिजनेस, थाउजेंड्स ऑफ ऑफिसेज अक्रॉस द कंट्री, लैक्स ऑफ एसेट्स होंगे, अभी उसमें से 10 एसेट्स गायब हो गए तो किसको कैसे मालूम पड़ेगा यार। द कंपनी माइट हैव वेरी गुड कंट्रोल्स, फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है टाइमली बेसिस पे, आपका बहुत स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी चेक है, फिर भी कहीं ना कहीं चूक होके एसेट्स बाहर निकल ही सकते हैं ना। अगर ऐसे फ्रॉड को रोकना है तो द कंपनी हैज टू हैज एक्सट्रीम कंट्रोल कि मूवमेंट एसेट का कैसे हो रहा है, कौन लेके जा रहा है, ओनली ऑथराइज्ड पर्सनल आर एंटरिंग द एसेट एरिया, इट हैज टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल इन ऑर्डर टू स्टॉप मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। थोड़ा रेशियो एनालिसिस करोगे, थोड़ा प्रोसेस समझोगे, तभी एज एन ऑडिटर यू विल बी एबल टू कैच होल्ड ऑफ सच काइंड ऑफ फ्रॉड्स, व्हिच इज प्रीटी डिफिकल्ट लेट मी टेल यू। तो इट इज क्लियर दैट फ्रॉड डील्स विद इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन बट एरर रिफर्स टू अनइंटेंशनल मिस्टेक्स, ये हमको पता है। इंटेंशनल एरर्स आर मोस्ट डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, इंटेंशनल एरर्स यानी कि बेसिकली फ्रॉड ही हो गया है। डिफाल्केशन ऑफ कैश, कैश गड़बड़ी में क्या करूंगा भाई, कैश को गड़बड़ी करना तो बहुत ईजी है, इट इज इन योर हैंड, आप उसका कुछ भी कर सकते हो और शायद मालूम नहीं पड़े। ये कैश बिजनेसेस जो होते हैं, जैसे हॉस्पिटल का बिजनेस है या होटल इंडस्ट्री है, वहां पे मेजोरिटी जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो कैश के ऊपर ही होते हैं, ठीक है। अभी करोड़ों रुपए कैश आ रहा है दिन में, मैं थोड़ा बहुत गड़बड़ कर भी दूं तो शायद किसी को मालूम ना पड़े। आप कैसे करोगे डिफाल्केशन ऑफ कैश या फिर जो कैश की गड़बड़ी हो कैसे करोगे, बाय इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट्स, यानी कि फिक्टिशियस वाउचर्स, झूठे वाउचर्स बना के मैं पेमेंट कर दूंगा तो कैश पेमेंट बढ़ गया मेरा लेकिन असल में मैंने पैसे अपने पॉकेट में लगा लिए। मैनिपुलेटिंग टोटल ऑफ वेज रोल्स इधर बाय इंक्लूडिंग देयर नेम्स, ये हुआ था सत्यम के केस में। होता क्या है, अभी आपके पास 1000 एम्प्लॉयज है, ठीक है, आपने क्या किया, आपने अपना वेज रोल बना लिया, उसमें आपने 1200 एम्प्लॉयज लिख दिए। अभी कैसे मालूम पड़ेगा ऑडिटर की 1000 है कि 1200, इट इज वेरी डिफिकल्ट, यू नो ऑडिटर हैज टू चेक स्वाइप इन स्वाइप आउट रिकॉर्ड्स, फिजिकल काउंट, उनके पर्सनल फाइल्स, तब जाके कहीं उसको मालूम पड़ेगा कि सच में 1000 है या 1200। और इवन इफ द ऑडिटर डज एवरी एक्सरसाइज, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू फाइंड आउट कि सच में 1000 या 1200 लोग हैं या 1200 लोग हैं। इमेजिन अ कंपनी लाइक टाटा और रिलायंस, वहां पे लाख लाख लोग काम करते हैं यार, हाउ विल एन ऑडिटर एवर आइडेंटिफाई अगर कुछ 1000 लोगों का ज्यादा पेरोल प्रोसेस हो रहा है। तो इसलिए क्लासिकल केस होता है, उसमें होता क्या है, मैं डमी एम्प्लॉयज बना लूंगा, उनको पैसे पे करते रहूंगा लेकिन एक्चुअली वो बैंक अकाउंट्स होंगे मेरे ही, यानी कि पैसे मुझे आते रहेंगे बट लोगों को लगेगा, ऑडिटर को लगेगा कि मैं एक एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ सैलरी का फॉर माय एम्प्लॉयज, बट दैट रियली विल नेवर हैपन। सो दैट इज अ वेरी गुड वे ऑफ इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट्स। नेक्स्ट है बाय सप्रेसिंग कैश पेमेंट्स, उसमें है टीमिंग एंड लेडिंग। टीमिंग एंड लेडिंग दोस्तों याद रख लीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है एग्जाम में भी आ जाए। टीमिंग एंड लेडिंग में होता क्या है, अभी मैं एक अकाउंट्स मेंटेन कर रहा हूँ, ठीक है, अपने डेटार का, डेटार ने मुझे पैसे दिए हैं, मैंने वो पैसे पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर लिए और अकाउंटिंग किया ही नहीं कि पैसे मिले। सो इवन नाउ दैट डेटार इज देयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अभी नेक्स्ट जो डेटार है वो मुझे पैसे देगा।
अभी वो जो पैसे देगा मैं पहले डेटार के साथ एडजस्ट कर दूंगा, जिसके पैसे मैंने यूज कर लिए हैं उसके साथ एडजस्ट कर दूंगा। यानी कि पहला डेटार का क्लियर हो गया, लेकिन दूसरा डेटार जो पैसे दिया है उसका अकाउंट अभी भी चालू है। फिर जब तीसरा डेटार मुझे पैसे देगा तो मैं उसको दूसरे डेटार के साथ एडजस्ट करूंगा। ये चेन चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, जब तक कि कोई देखे नहीं, कोई समझे नहीं, कोई पकड़े नहीं। इट बिकम्स वेरी इजी, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड टीमिंग एंड लीडिंग। बहुत बहुत कॉमन मेथड है वो फ्रॉड करने का। नेक्स्ट है एडजस्टिंग अनऑथराइज्ड और फिक्टिशियस रिबेट्स, अलाउंसेस, डिस्काउंट्स एक्सेट्रा। फिक्टिशियस रिबेट्स, डिस्काउंट्स दे दूंगा, अलाउंसेस कुछ दे दूंगा जो असली में मैं कभी दूंगा ही नहीं, बस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैं उसको लिख दूंगा। नेक्स्ट है राइटिंग ऑफ एज बैड डेट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ सच बैलेंसेस विच कैश हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड। अभी होगा क्या, मैंने प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स बना दिया, ठीक है, कैश मुझे एक्चुअली आ गया है, वो कंपनी ने मुझे पैसे दे दिए हैं, लेकिन अब पैसे दे दिए हैं, ऑलरेडी प्रोविजन क्रिएट है, तो ठीक है ना, मैं उसको राइट ऑफ कर देता हूँ एज अ बैड डेट्स। किसको मालूम पड़ेगा, बैड डेट्स का बैड डेट्स हो जाएगा और वो पैसे आ जाएंगे मेरे जेब में, तो वो भी एक हो गया तरीका फ्रॉड करने का। नॉट अकाउंटिंग फॉर कैश सेल्स फुली, नॉट अकाउंटिंग फॉर मिसलेनियस रिसीट्स, सिंपल है, वेरी इजी टू मेक फ्रॉड इन दिस पर्टिकुलर वे। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर। क्लियरली मैं बता देता हूं आपको दोस्तों, एज पर स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर वॉट एवर प्रिंसिपल्स यू वांट टू अप्लाई, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग फ्रॉड, डिटेक्टिंग फ्रॉड इज दैट ऑफ द मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस। ऑडिटर हैज नथिंग टू डू विद डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। इट इज नॉट द प्राइमरी फोकस ऑफ ऑडिटर कि मैं फ्रॉड ढूंढते बैठूं। ऑडिटर को सिर्फ ट्रू एंड फेयर व्यू देना है, कंफर्ट लेना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेक्ट है, फ्रॉड हो रहा है नहीं हो रहा है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द मैनेजमेंट हैज टू डिटेक्ट। समझ गए, क्योंकि क्या होता क्या है, जो इनहेरेंट लिमिटेशंस है ऑडिट के, अपन ने पढ़ा है इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं फर्स्ट चैप्टर में, जो इनहेरेंट लिमिटेशंस है दे विल नॉट अलाउ द ऑडिटर टू डिटेक्ट fraud even if it is causing material misstatements in the financial statements because of the inherent risk. So that is why an auditor is not solely responsible, it is the management which is responsible. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than the risk of not detecting one resulting from error. Wo sabko pata hai ki error ho to thoda easy hai pakadna, fraud ho to thoda difficult hai usko auditor ko pakad pana. The risk of auditor not detecting a material misstatement resulting from management fraud is greater than for employee fraud. यानी कि अगर management गड़बड़ करता है तो auditor को मुश्किल थोड़ी ज्यादा होगी उसको पकड़ने में than अगर कोई छोटा employee करता है, क्योंकि जब management fraud करता है तो सब कुछ सोच समझ के, हजारों angle देखकर, बहुत दिमाग लगाकर fraud करता है, जो शायद एक normal employee ना कर पाए, ठीक है। तो जब एज एन ऑडिटर अपने को क्या करना है, दी ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एन एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिज्म थ्रू आउट दी ऑडिट। यानी कि एन ऑडिटर थोड़ा सा एक शक की निगाह से देखना है, थोड़ा सा समझ के कि यार गड़बड़ हो सकती है, ऐसा सोच के ऑडिटर हैज टू कंडक्ट एन ऑडिट, सो दैट इफ देर इज एनी फ्रॉड और इफ देर इज एनी फ्रॉड इंडिकेटर दी ऑडिटर इज कैचिंग इट इमीडिएटली। कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए, थोड़ा दिमाग लगा के, थोड़ा प्रोफेशनल जजमेंट, थोड़ा अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म यूज करे। तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है अपन जो पढ़ेंगे, दैट इज फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स एंड पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। दोस्तों अगेन दिस इज मोर और लेस जो अपन ने ऑलरेडी ऊपर देखा है, ऊपर समझा है, उसका ही कंटिन्यूएशन आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एग्जांपल ऑफ फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट जो अपन ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं। ईच टाइप ऑफ फ्रॉड द रिस्क फैक्टर्स आर फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन थ्री कंडीशंस, यानी कि इंसेंटिव, प्रेशर्स, अपॉर्चुनिटीज एंड एटीट्यूड रेशनलाइजेशन, जो हमने ऑलरेडी ऊपर देखा था कि क्या क्या फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कि इंसेंटिव या प्रेशर है, अनरीजनेबल प्रेशर है मैनेजमेंट का कि नहीं तुमको प्रॉफिट बताना होगा, या फिर मैं प्रॉफिट अगर ज्यादा बताऊंगा तो मुझे जो मेरी मैनेजरियल रेम्यूनरेशन है वो ज्यादा मिलेगी, इसलिए मैं कर रहा हूँ फ्रॉड। अपॉर्चुनिटी है फ्रॉड करने का, भाई मेरे पास क्लियर कट दिख रहा है कि इट इज वेरी इजी फॉर मी टू डू अ फ्रॉड, नोबडी विल कैच मी, आई नो इट एंड हेंस आई कैन डू अ फ्रॉड। एटीट्यूड, जो एथिक्स की बात की थी हमने, वैल्यूज, बिहेवियर, एटीट्यूड है मेरा फ्रॉड करने का कि चलता है भाई फ्रॉड करूंगा, कोई पकड़ेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा, सबको ही करते हैं दुनिया में, इसलिए मैं भी करूंगा, दैट ऑल्सो कैन बी अ रीजन फॉर डूइंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रॉड। सेम इज द केस ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, अगर आपके पास चांस है, अपॉर्चुनिटी है, या फिर आप पे कोई प्रेशर है करने का,
तो आप जरूर फ्रॉड कर लोगे, क्योंकि दिस इज अ ह्यूमन नेचर। बहुत कम लोग होते हैं यू नो हु डू नॉट बकल बिलो प्रेशर, कि चलो कितना भी प्रेशर आने दो मैं फ्रॉड नहीं करूंगा, कुछ भी इंसेंटिव मिलने दो मैं फ्रॉड नहीं करूंगा, चाहे मेरे सामने चीज पड़ी, चाहे मेरे सामने कैश पड़ा हो, लेकिन मैं उसे चोरी नहीं करूंगा। देर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर एक्चुअली वेरी वेरी एथिकल। थोड़ों का क्या, थोड़ों का ये अंडरस्टैंडिंग भी हो जाता है कि भाई चलता है, हो सकता है मुझे लगे नहीं कि वो फ्रॉड है, लेकिन वो एक्चुअली फ्रॉड निकल जाता है, फ्रॉड हो सकता है। इफ इफ समबडी सेइंग कि ठीक है भाई मैं एक वेंडर को काम दे रहा हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन में, वो मुझे गिफ्ट दे रहा है, व्हाट इज द फ्रॉड इन दैट? बट एक्चुअली इट इज अ फ्रॉड बिकॉज समवेयर और दी अदर यू मस्ट हैव फेवर्ड हिम। उसको आपने कम पैसों में काम दिलवाया होगा, या उसको आपने कुछ किकबैक दिया होगा, तभी तो वो आपको गिफ्ट दे रहा है। यू आर चीटिंग द कंपनी, सो दैट इज फ्रॉड, बट इट कैन बी इंटरप्रेटेड इन डिफरेंट डिफरेंट वेज, एंड हेंस द चांस ऑफ फ्रॉड ऑलवेज एग्जिस्ट, इवन नोइंगली और अनोइंगली ऑल्सो आप फ्रॉड कर सकते हो। इंसेंटिव प्रेशर, अगर आप यहाँ पे ये सब पढ़ेंगे तो जो अपन ऊपर डिस्कस कर चुके हैं वही सब है, कि जो इंसेंटिव्स है, जो प्रेशर्स रहते हैं मैनेजमेंट के टू शो गुड नंबर्स, इसलिए आप फाइनेंशियल फ्रॉड करते हो। अपॉर्चुनिटीज क्या है? अपॉर्चुनिटीज जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, कौन से इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो। जैसे रियल एस्टेट इंडस्ट्री अगर है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कैश बिजनेस बहुत होता है, तो देयर इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू डू फ्रॉड। अगर आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है, बहुत सारे सब्सिडरीज है, बहुत सारे आपके रिश्तेदार जुड़े हुए हैं आपकी कंपनी से, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में बहुत इजी अपॉर्चुनिटी है फ्रॉड करने की। जो असेट्स, लायबिलिटीज, रेवेन्यूज है, एक्सपेंसेस है, दे आर बेस्ड ऑन जजमेंट्स, दे माइट नॉट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, थोड़ा कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एक ऑफशोर एंटिटी खड़ा कर लूंगा, एक सब्सिडरी बनाऊंगा, 100 सब्सिडरी बनाऊंगा, एक दूसरे को लोन देगा, दूसरा तीसरे को लोन देगा, वैसे मनी लॉन्ड्रिंग करूंगा, मनी इधर से उधर करूंगा, दैट कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन इज डन ओनली विद द इंटेंशन ऑफ डूइंग सम काइंड ऑफ अ मिसअप्रोप्रिएशन, शोइंग सम काइंड ऑफ अ नेगेटिव इम्पैक्ट और अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द बैलेंस शीट विच इज नॉट रियल, तो वैसे भी मैं फ्रॉड कर सकता हूँ। एटीट्यूड रैशनलाइजेशन जो है मैं बता रहा था आपको, एक नोन हिस्ट्री ऑफ वायोलेशंस, मालूम है मुझे कि भाई मेरा कंपनी तो हमेशा वायोलेशन ही करता है, तो ठीक है एक और बार कर लो। एमडी सीईओ को कुछ पड़ी नहीं है कि नहीं लेट्स डू वायोलेशन, वी डोंट वांट टू डू एथिकल बिजनेस, हमें अपने पैसों से मतलब है, प्रॉफिट से मतलब है, चाहे वो कैसे भी है, वी डोंट केयर। तो दैट इज एक्सक्यूज मी, दैट इज अनदर रीजन व्हाई देयर कैन बी फ्रॉड, एंड दैट इज व्हाट मोटिवेट्स पीपल टू डू फ्रॉड। तो दोस्तों ये सब आप जो भी देखेंगे, इंसेंटिव, प्रेशर, अपॉर्चुनिटीज, दिस ऑल वी हैव डिस्कस्ड, यू रीड थ्रू इट क्विकली, बट देन जो मैंने हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो अगर आप पढ़ोगे तो भी ये सेम चीजें ही कवर हो गए। इफ यू कैन सी अगेन इट इज बीइंग रिपीटेड एटीट्यूड रैशनलाइजेशन, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस रिपोर्टिंग के लिए है वही मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स के लिए भी है। अभी ये पढ़ते हैं अपन सर्कमस्टेंसेज रिलेटिंग टू पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, कौन से सर्कमस्टेंसेज ऐसे हैं विच माइट रिजल्ट इन मटीरियल मिसस्टेटमेंट विच इज रिजल्टिंग फ्रॉम अ फ्रॉड। ये चार सर्कमस्टेंसेस ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड के क्या है। एज एन ऑडिटर व्हेन यू आर चेकिंग, इफ यू नोटिस एनी ऑफ दीस थ्री और फोर सर्कमस्टेंसेस, यू विल हैव टू डू अ डिटेल्ड रिव्यू, एन इनडेप्थ रिव्यू टू एंश्योर दैट देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। क्या है वो? डिस्क्रिपेंसी इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड, यानी कि ट्रांजेक्शन बराबर रिकॉर्ड नहीं हुए हैं कंप्लीटली या टाइमली मैनर पे, अनसपोर्टेड और अनऑथराइज बैलेंसेज, देयर इज सम बैलेंस बट यू कैनॉट सी द डॉक्यूमेंट, यू कैनॉट सी द अंडरलाइंग एविडेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर बैलेंस दैट इज देयर इन द बैलेंस शीट, या फिर जो ट्रांजैक्शन हुआ है पीएनएल स्टेटमेंट में, कुछ एक्सपेंस हुआ है, इनकम हुआ है, वो उसका आप अंडरलाइंग डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा है आपको। नेक्स्ट है लास्ट मिनट एडजस्टमेंट्स दैट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट, लास्ट मिनट पे बोलता हूं नहीं एसेट को राइट ऑफ करना है, ये बैड डेट्स को राइट ऑफ करना है, इस प्रोविजन को रिकॉग्नाइज नहीं करना है, लास्ट मिनट में अगर कुछ होता है दैट कैन बी एन इंडिकेशन और दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ सडन में हुआ है, सो व्हाई हैज इट हैपन। ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए टिप्स और कंप्लेंट्स टू द ऑडिटर अबाउट एलिजिबल फ्रॉड। कभी कभी कंपनी में होता क्या है, देयर इज समथिंग नोन एज विसल ब्लोअर पॉलिसी। विसल ब्लोअर पॉलिसी क्या होती है कि अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नोज दैट अ फ्रॉड इज हैपनिंग, लेकिन वो खुल के बता नहीं सकता बिकॉज इट माइट लीड टू हिज जॉब बीइंग रिमूव्ड और इवन रिस्क टू हिज लाइफ। इसलिए विसल ब्लोअर पॉलिसी होती है, जहां पे एक हेल्पलाइन नंबर होता है, ओवर देयर यू कैन कॉल डिस्क्रीटली विदाउट रिवीलिंग योर आइडेंटिटी एंड गिव द डिटेल्स ऑफ फ्रॉड। ऐसे फ्रॉड अगर कोई ऑडिटर को मालूम पड़ते हैं ड्यूरिंग डिस्कशंस भी, कोई शायद बता दे कि सर आप ऑडिटर हो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप ये 3-4 पॉइंट्स देखना, आपको जरूर कुछ मिलेगा, लेकिन ये मत बताना कि मैंने आपको बताया। ऐसा भी बहुत होता है, टिप्स कंप्लेंट्स
टॉप के लोगों से मिलता है, बॉटम के लोगों से मिलता है, ऑडिटर को लीड्स मिलते हैं बेसिकली, जैसे पुलिस को लीड्स मिलते हैं वैसे ही ऑडिटर को भी कहीं लीड्स मिल सकते हैं कि भाई कुछ गड़बड़ है, आप चेक करो। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंस। बहुत बार ये होता है कि डॉक्यूमेंट्स गायब हो गए, ऐसे डॉक्यूमेंट्स तो खो गए, चल गए, डॉक्यूमेंट्स पे चेंजेस दिख रहे हैं आपको, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे वो नहीं है, उनकी फोटो कॉपीज है। अभी फोटो कॉपी है तो आपको नहीं मालूम कि ओरिजिनल में क्या था और फोटो कॉपी में क्या चेंज हुआ है। अनएक्सप्लेन्ड आइटम्स ऑन रिकन्सिलियेशन की, जो मैं बैंक रिकन्सिलियेशन कर रहा हूँ या मेरे दो अकाउंट्स रिकनसाइल कर रहा हूँ उसमें बहुत सारा डिफरेंस है एंड द डिफरेंस इज एसेंशियली अनएक्सप्लेन्ड, मुझे पता नहीं कि वो डिफरेंस क्यों आ रहा है। दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस व्हिच शुड लीड यू टू यू नो एज एन ऑडिटर थिंकिंग कि भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। मिसिंग इन्वेंट्री और फिजिकल एसेट्स ऑफ सिग्निफिकेंट मैग्नीट्यूड, आप करने गए हो फिजिकल वेरिफिकेशन और आपको पता चलता है कि एक बड़ा एसेट तो गायब है, दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि कुछ गड़बड़ हुआ है। नॉन एग्जिस्टिंग कैंसल चेक्स इन सर्कमस्टेंसेस वेयर कैंसल चेक्स आर ऑर्डिनरीली रिटर्न, अभी कैंसल चेक हो गया लेकिन उसका कॉपी जनरली ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करना चाहिए कि भाई ये 5 चेक मैंने कैंसिल करके रखे हैं लेकिन वो आपको मिल नहीं रहे, सो यू डोंट रियली नो वेदर दैट चेक हैज रियली बीन कैंसल्ड और यूज्ड फॉर सम अदर पर्पस। थर्ड अगर देखें तो प्रॉब्लमैटिक और अनयूजुअल रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिटर एंड मैनेजर। दोस्तों इसमें क्या होता है, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज द ऑडिटर एंड द मैनेजमेंट डू नॉट गेट वेल अलोंग, क्योंकि मैनेजमेंट को डर लगता है कि कहीं ऑडिटर सच में मेरा फ्रॉड पकड़ लिया या कुछ गड़बड़ कर दिया या फिर यू नो ही गोज टू मच इनटू डेप्थ एंड ही विल गेट टू नो कि कुछ गड़बड़ चल रही है, इसलिए मैं उसको कोऑपरेट नहीं करूंगा। क्या होता है उस नॉन कोऑपरेशन में, डिनायल ऑफ एक्सेस टू रिकॉर्ड्स एंड फैसिलिटीज। आइडियली ऑडिटर शुड हैव कंप्लीट एक्सेस टू रिकॉर्ड्स एंड ऑल द फैसिलिटीज विच विल हेल्प हिम ड्यूरिंग द ऑडिट टू गिव अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अपना ट्रू एंड फेयर स्टेटमेंट, या फिर जो अपना रिपोर्ट बनाने में उसको जो भी चीजें लगती है उसका एक्सेस होना चाहिए। लेकिन कभी कभी कंपनी बहाने बनाएगा कि नहीं वी वॉन्ट गिव यू एक्सेस ड्यू टू सो एंड सो रीजन, कॉन्फिडेंशियलिटी है हमारा, हमारे पास अभी डॉक्यूमेंट है नहीं, आई विल गिव सम डिनाइल एंड रिस्ट्रिक्ट द ऑडिटर फ्रॉम लुकिंग इन टू दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट हो सकता है अनड्यू टाइम प्रेशर इम्पोज बाय मैनेजमेंट कि नहीं भाई हमें अभी का अभी आप ये ऑडिट करके दो, ये जो बराबर बैलेंस शीट नहीं है, टैली नहीं हो रहा है, आप टैली बताओ क्यों नहीं हो रहा है, हमको इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए, हमको इमीडिएटली रिपोर्ट चाहिए। मैं प्रेशर डालूंगा ऑडिटर के ऊपर कि भाई मुझे ये आज के आज चाहिए, तो ऑडिटर क्या करेगा, अभी प्रेशर में आके जल्दी जल्दी काम करेगा एंड ही विल प्रोबेबली स्किप आउट द इम्पोर्टेंट थिंग्स। Unusual delays by entity in providing information. मैंने आज आपसे एक सिंपल सी इन्फॉर्मेशन पूछी है कि भाई मुझे ये 10 आपके वाउचर चाहिए, 10 ट्रांजेक्शन के वाउचर्स दे दो, आप मुझे एक हफ्ते, दो हफ्ते, तीन हफ्ते, चार हफ्ते बाद देते हो, यानी कि यू आर डिलेइंग थिंग्स वॉन्टेडली। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल है, और ये तो होना ही चाहिए रेडिली अवेलेबल, इफ यू आर करेक्ट वाई डोंट यू गिव मी द सेकंड डे और द थर्ड डे इटसेल्फ, वाई डू यू वॉन्ट टू डिले इट फॉर 3 weeks और 4 weeks, सो दैट कैन बी वन ऑफ द इंडिकेटर्स की कुछ गड़बड़ चल रहा है। अनविलिंगनेस टू फैसिलिटेट ऑडिटर एक्सेस टू की इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स, यानी कि मैं वही फिर से बहाने बनाऊंगा कि भाई मैं आपको नहीं दूंगा मेरे आईटी का एक्सेस, मेरे एम्प्लॉयज को एक्सेस, मेरे डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस ऑन सम प्रिटेक्स्ट और दी अदर। This can be a very very big indication कि शायद कुछ गड़बड़ हो सकता है। There are other reasons कि auditor को permit नहीं करेंगे privately मिलने के लिए, अगर मुझे one on one किसी important आदमी से meeting करनी है, मैनेजमेंट बोलेगा नहीं भाई नहीं करने दूंगा मैं आपको, ही इज बिजी या आई विल नॉट गिव यू एक्सेस, ही इज अनएक्सेसिबल, जबकि हो सकता है असली में दैट पर्सन हैज नो प्रॉब्लम इन टॉकिंग टू यू बट द मैनेजमेंट विल नॉट अलाउ यू टू टॉक टू हिम। अकाउंटिंग पॉलिसीज हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, फ्रीक्वेंट चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, टॉलरेंस ऑफ वायलेशंस ऑफ कोड ऑफ एथिक की, कुछ कोड ऑफ एथिक जो कंपनी का था उसमें अगेंस्ट लोग गए हैं, कुछ कंप्लेन आई है लेकिन मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया, ऑल दिस कैन बी सम काइंड ऑफ रीजन, सम काइंड ऑफ पोटेंशियल इंडिकेटर्स फॉर एन ऑडिटर टूवर्ड्स फ्रॉड कि ऐसी चीजें अनयूजुअल ट्रांजेक्शन अनयूजुअल हैपनिंग जो ऑर्गेनाइजेशन में होती है दैट मे लीड टू फ्रॉड। ऑडिटर हैज टू यूज द स्केप्टिसिज्म एंड कीप एन ओपन माइंड टू एंश्योर कि कुछ भी अगर ऐसा फ्रॉड का सिग्नल आता है, साइन आता है, तो यू हैव टू स्पॉट इट एंड देन यू हैव टू एंश्योर कि आप बराबर डिटेल में ऑडिट करें, एंड अगर आप ऑडिट नहीं कर पा रहे हैं तो अपने रिपोर्ट में उसको क्लियरली मेंशन करें, चाहे वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हो, चाहे एडवर्स रिपोर्ट हो, चाहे एम्फोसिस ऑफ मैटर हो, जो भी डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स होती है जो हम आगे पढ़ेंगे भी, जो भी कुछ है यू हैव टू क्लियरली स्टेट कि मैं ये ऑडिटिंग नहीं कर पाया जो मुझे करना था ड्यू टू सो एंड सो रीजन। दैट इज वेरी वेरी क्लियर, स्पेशली बिकॉज दीज केसेस में इन्वॉल्व फ्रॉड, एंड अगर कल को फ्रॉड मिल जाती है उस एरिया में एंड ऑडिटर का कोई डिस्क्लेमर स्टेटमेंट है नहीं, देन इट विल बी डीम्ड दैट ऑडिटर हैज डन हिज ऑडिट एंड गिवन अ क्लियरेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड देन ऑडिटर माइट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल।
नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस एसेंशियली हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 अमेंडमेंट जो हुए थे, कंपनीज एक्ट 2013 में पूरा पूरा चेंज हो गया था, उसके अंडर फ्रॉड रिपोर्टिंग आ गया है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके पहले ऑडिटर वॉज नॉट अंडर द ऑब्लिगेशन ऑफ रिपोर्टिंग एनी फ्रॉड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट नाउ द ऑडिटर इज रेस्पॉन्सिबल टू रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस ऑफ एनी फ्रॉड। क्विकली लेट्स सी, नीचे एक अच्छा सा टेबल बनाया गया है, यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको समराइज करते हुए बहुत ही ब्यूटीफुली एक टेबल बनाया है यहाँ पे इस मटेरियल में, कि फ्रॉड रिपोर्टिंग कैसे होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, किसको होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए। सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 एंड रूल 13 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 से दैट फ्रॉड इन्वॉल्विंग अमाउंट ऑफ लेस देन 1 करोर, तो फ्रॉड अगर लेस देन 1 करोर का आइडेंटिफाई करता है ऑडिटर, किसको रिपोर्ट करेगा, He will report to the board and audit committee. कब करेगा, कितने दिन में करेगा, within 2 days of knowledge. अगर मुझे पता चलता है कि भाई कुछ गड़बड़ हुआ है, there is some kind of a discrepancy, there is some kind of a fraud which is amounting to less than 1 crore, within 2 days of knowledge, report it to the board or audit committee. क्या करेगा, नेचर ऑफ फ्रॉड विद डिस्क्रिप्शन, अप्रोक्सीमेट इन्वॉल्व्ड अमाउंट एंड पार्टीज इन्वॉल्व्ड, यानी कि सर क्या था, कैसे मुझे पता चला ये फ्रॉड है, क्या उसका नेचर है, क्या उसका डिस्क्रिप्शन है, कितने पैसे का फ्रॉड हो सकता है, कितने अमाउंट का फ्रॉड हो सकता है और कितने पार्टीज इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये मुझे विद इन 2 डेज बताना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा अपने बोर्ड को और ऑडिट कमेटी को एक नोटिफिकेशन भेजना पड़ेगा। सेकेंड चीज क्या करनी पड़ेगी, डिस्क्लोज बोर्ड्स और डिस्क्लोज बोर्ड रिपोर्ट, इन उसमें बोर्ड जो रिपोर्ट होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो रिपोर्ट होती है, उसमें भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपने ऑडिटर को कि क्या फ्रॉड था, क्या अमाउंट इन्वॉल्व था और पार्टीज क्या थे, रेमिडियल एक्शन अगर कुछ लिया है तो क्या लिया है, और अगर रेमिडियल एक्शन नहीं लिया है तो वो भी स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा। लेस देन 1 करोर में यू नीड नॉट रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, कीप दैट इन माइंड गाइस, ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चन आ सकता है कि लेस देन 1 करोर में यू नीड नॉट रिपोर्ट टू द ऑडिट कमिटी, यू नीड नॉट रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट फ्रॉड इन्वॉल्विंग अमाउंट ऑफ 1 करोर और अबव यू हैव टू रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द फॉलोइंग मैनर। तो उसमें आप क्या करोगे, ध्यान से सुनो, अगर आपको फ्रॉड मिला है जो 1 करोड़ के अबव है, पहले तो आप विद इन 2 डेज ऑडिट कमिटी को बोलोगे, ऑडिट कमिटी या बोर्ड को आप बताओगे 2 दिन के अंदर अंदर, समझ लो अगर आपको 9 जुलाई को फ्रॉड मिला है तो आप 11 जुलाई तक बोर्ड या फिर बोर्ड और ऑडिट कमिटी को इन्फॉर्म करोगे कि मुझे ये फ्रॉड मिला है, ये नेचर है, ये अमाउंट है, ये उसमें पार्टीज इन्वॉल्व है, एंड यू विल आस्क देम टू रिप्लाई टू यू 45 डेज के विद इन, 45 डेज के विद इन यू विल टेल द ऑडिट कमिटी टू रिप्लाई टू यू कि मुझे बताइए कि आपका इस पे क्या टेक है, कंपनी क्या कर रही है, आपने क्या एक्शन लिया है, वो सब कुछ मुझे विद इन 45 डेज बताइए। अब उसके बाद 45 डेज वेट करने के बाद अगर रिप्लाई मुझे आ जाता है 45 डेज के अंदर, तो मैं ये जो मेरा रिपोर्ट था, फ्रॉड का रिपोर्ट था, मैं फॉरवर्ड करूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट को अलॉन्ग विद द कमेंट्स रिसीव्ड बाय द ऑडिट कमिटी और द बोर्ड विद इन 15 डेज ऑफ रिसीप्ट ऑफ सच रिप्लाईज। यानी कि सपोज अगर 9 जुलाई को मुझे फ्रॉड मिला, 11 जुलाई को मैंने ऑडिट कमिटी को इन्फॉर्म कर दिया, उसके प्लस 45 डेज पे ऑडिट कमिटी ने मुझे इन्फॉर्म कर दिया, तो मेरे पास और 15 दिन का टाइम है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करने का कि आफ्टर रिसीविंग अ रिप्लाई फ्रॉम द बोर्ड और ऑडिट कमिटी आई कैन गिव द इंटीमेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट अबाउट द फ्रॉड आफ्टर 15 डेज ऑफ रिसीविंग सच रिप्लाई। यानी कि इन टोटल अगर आप देखें तो मुझे 62 डेज मिलेगा, 2 दिन पहले मैं ऑडिट कमिटी को इन्फॉर्म करूंगा, फिर 45 डेज ऑडिट कमिटी को मैं चांस दूंगा रिप्लाई करने का, उसके बाद और 15 दिन मुझे मिलेंगे मेरे खुद के असेसमेंट करने के लिए बिफोर आई रिपोर्ट इट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर रिप्लाई नॉट रिसीव्ड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम तो आप क्या करोगे, अगर 45 डेज वेट कर लिया आपको रिप्लाई नहीं आया, यू विल फॉरवर्ड योर रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यू विल गिव द नोट कंटेनिंग कि भाई मैंने तो अपना प्रोसीजर किया है, 45 डेज का टाइम भी दिया है, बट द ऑडिट कमिटी और द बोर्ड हैज नॉट रिप्लाइड टू मी ऑन व्हाई द फ्रॉड हैज हैपेंड और एनीथिंग हैज नॉट बीन रिपोर्टेड टू मी अबाउट द फ्रॉड। दिस इज हाउ यू विल रिपोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अच्छे से थोड़ा पढ़ लेना, आप याद रख लेना, इट इज सिंपल। लेस देन 1 करोर ऑडिट कमिटी बोर्ड को आप रिप्लाई करोगे एंड मोर देन 1 करोर आप बताओगे सेंट्रल गवर्नमेंट को आफ्टर सीकिंग रिप्लाइज फ्रॉम द ऑडिट कमिटी एंड बोर्ड, एज सिंपल एज दैट। What is also very important to note is
दिस पर्टिकुलर सेक्शन जो है इट इज अप्लाइंग टू कॉस्ट ऑडिटर एंड सेक्रेटेरियल ऑडिटर, यानी कि आपके सीडब्ल्यू ए और सी एस जो है कंपनी का, उसको भी म्यूटाटिस मुटेंडिस अप्लाई होता है, यानी कि वर्ड टू वर्ड सेम थिंग अप्लाइज नॉट ओनली टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बट ऑल्सो टू अ कॉस्ट ऑडिटर एंड अ सेक्रेटेरियल ऑडिटर, जो अपने वो लोग ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे हैं उसमें अगर उनको फ्रॉड का कुछ इंडिकेशन मिला है या कुछ फ्रॉड प्रूव हुआ है, दे हैव टू इन्फॉर्म द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस सिमिलर फैशन, इन दिस एग्जैक्ट फैशन इट हैज टू बी टेकन अप विद द necessary bodies, whether it be internally or externally. अभी रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड्स ऑलरेडी डिटेक्टेड एंड रिपोर्टेड, अभी हो सकता है कुछ फ्रॉड्स ऑलरेडी पहले ही मालूम पड़ गए हैं ऑर्गेनाइजेशन को खुद से. यू आर नॉट द फर्स्ट वन टू गेट दोज फ्रॉड्स, और एज एन ऑडिटर यू आर नॉट द फर्स्ट वन टू कैच दोज फ्रॉड्स, दोज फ्रॉड्स आर ऑलरेडी नोन एंड मे बी इन सम केस रिपोर्टेड ऑलरेडी. उसमें आप क्या करोगे? The auditor should apply professional skepticism to evaluate that the fraud was indeed identified in all aspects by management. हो सकता है मुझे fraud का एक हिस्सा मिल गया हो management को, लेकिन there might be more fraud that is happening or the amount of fraud that is reported by the management might actually be lesser than what it actually is. So as an auditor, अगर आपको पता है कि already organization में fraud identify हुआ है, you will check कि भाई उसका magnitude क्या था जो management में report किया है, क्या वो सही था या नहीं था. You will use your professional skepticism, you will use your professional judgment कि जितने भी frauds थे वो सब सब बराबर से management को पता चले हैं या नहीं चले हैं. अभी ऐसा भी होता है कि since reporting on fraud under section 143 is required even by cost and secretarial auditor, अगर ये offence already report हो चुका है उनसे कि cost auditor या फिर company secretary already government को या internal board को report कर चुका है, you need not report it again because ऑलरेडी उनको मालूम है ये फ्रॉड आपने नहीं निकाला है, उन्होंने ऑलरेडी निकाल के रिपोर्ट कर दिया है. यू नीड नॉट रिपोर्ट इट वंस अगेन. बट होता क्या है, अगर 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट है, सो ऑडिटर शुड रिव्यू द स्टेप्स टेकन बाय मैनेजमेंट और दोज चार्ज विद गवर्नेंस, ये देखने के लिए कि जो भी रिपोर्ट हुआ है उसका क्या स्टेप्स लिया है, उसका क्या करेक्टिव एक्शन लिया गया है. उसको ऑडिटर को खुद को सेटिस्फाई करना है कि चलो कि हो सकता है मैनेजमेंट ने खुद ने या फिर कॉस्ट ऑडिटर ने या फिर सेक्रेटेरियल ऑडिटर ने फ्रॉड ढूंढकर बता दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन whether that report is proper or not, उसके action क्या लिया है management ने, whether some corrective action has been taken, whether it is proper, whether it is improper, ये सब सब कुछ समझ के अगर मुझे लगता है कि कोई organization ने बराबर सा additional steps नहीं लिया है, या आप हो सकता है आपने उन्हें कुछ बोला हो एक्स्ट्रा करने के लिए मैनेजमेंट को कि चलो आप ये 5 चीजें कर रहे हो, ये 6th चीज भी करो आप एडिशनल टू एंश्योर दैट फ्रॉड नेवर हैपेंस अगेन, अगर आपको लगता है कि मैनेजमेंट आपकी बात नहीं मान रही है, सो यू कैन वंस अगेन रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर रूल 13 ऑफ कंपनीज एक्ट. आप उनको 45 डेज की मोहलत दोगे मैनेजमेंट को टू सॉल्व द प्रॉब्लम और वॉट एवर योर रिकमेंडेशंस आर टू इम्प्लीमेंट देम. इफ दे आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट, यू विल डेफिनेटली इन्फॉर्म द मैटर टू सेंट्रल गवर्नमेंट कि भैया आपको फ्रॉड मालूम होगा लेकिन मैंने थोड़े एडिशनल स्टेप्स बोले थे मैनेजमेंट को करने के लिए, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद वॉट दे आर डूइंग, वो लोग जो कर रहे हैं दैट इज नॉट सफिशियंट टू safeguard the company against future frauds and hence I am giving my report that there can still be a problem. कारो रिपोर्ट जो है 2016 की, उसके क्लॉज 10 के अंडर ऑफ पैराग्राफ 3 ऑफ कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर, यू हैव टू शो द फ्रॉड, कब नोटिस हुआ फ्रॉड, क्या अमाउंट था, नेचर क्या था, आपको सब कुछ बताना पड़ेगा. ठीक है, अगर ये जो कारो रिपोर्टिंग है उसमें फ्रॉड अगर आप नहीं बताते हैं, देन यू आर ऑल्सो नॉट फुलफिलिंग योर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, यू डेफिनेटली हैव टू what do you say, you have to report fraud if you have found it or if anybody has found it. Abhi ek aur cheez important kya hai, dekhi auditor ka koi, it is not auditor's responsibility to find fraud ki main fraud dhoond raha hu, but you have to be diligent enough ki agar kuch mere ko fraud ka indication mil raha hai to main fraud usme dekhu ho raha hai ki nahi, aur agar ho raha hai to I will report it and I will take necessary action. Although the first responsibility of fraud is to be found by the management and those charged with governance, but that doesn't mean ki auditor ka koi role hi nahi hai fraud financial statements mein fraud nikalne ka. Auditor has to be equally diligent, and kal ko agar koi fraud mil jata hai and auditor is asked ki tumne kyun nahi nikala is fraud ko, auditor has to prove ki maine apne auditing steps pure barabar kiye the, abhi fraud did not come across, so it did not come across, it's not necessary that I will identify fraud, but I have done all my auditing steps properly. Theek hai, agar aap देखो, जब आप
फ्रॉड ऐसे बैठे बैठे तो आपको मिलेगा नहीं. यू हैव टू डू प्रॉपर प्लानिंग टू अंडरस्टैंड द बिजनेस, टू अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट ऑफ द बिजनेस. तो आप क्या करोगे जब आप प्लानिंग कर रहे हो ऑडिटर ऑडिट का, ऑडिटर शुड ऑल्सो मेक इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट टू डिटरमाइन वेदर मैनेजमेंट इज अवेयर ऑफ एनी नोन फ्रॉड. फर्स्ट डे आप जाके पूछ लो भाई मैनेजमेंट को, आपको कुछ फ्रॉड का मालूम है क्या, कुछ आपको जानकारी है तो हमें अभी बता दीजिए. रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लूंगा मैं कि भाई मैनेजमेंट इज सेइंग दैट देयर इज नो फ्रॉड व्हिच इज आइडेंटिफाइड टू बी सेफ फ्रॉम माय साइड. नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, जो इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट है, जो इंटरनल कंट्रोल्स वेरीफाई किए हैं, उसकी रिपोर्ट भी मुझे पढ़नी जरूरी है सो दैट आई कैन आइडेंटिफाई वेदर इंटरनल ऑडिटर्स हैव आइडेंटिफाइड एनी फ्रॉड. सी द चांसेस ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स आइडेंटिफाइंग फ्रॉड इज ऑलवेज हायर बिकॉज दे आर गोइंग इनटू द प्रोसेसेस, एक एक चीज चेक कर रहे हैं वो लोग, थोड़ा ज्यादा डिटेलिंग कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो दे फाइंडिंग आउट फ्रॉड और फ्रॉड इंडिकेशन इज ऑफ अ लिटिल हाई चांसेस, हाई प्रोबेबिलिटी देन स्टैचुरी और एक्सटर्नल ऑडिटर्स. इसलिए एक्सटर्नल ऑडिटर्स को अपनी जो इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट है वो भी पढ़ के रिफर करनी है. एंड लास्ट में एक रिटन रिप्रेजेंटेशन लेना है मैनेजमेंट से कि इट एक्नॉलेजेस इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स दैट आर डिजाइन टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड एरर. यानी कि मैं मैनेजमेंट को बोलूंगा कि मुझे पहले आप लिख के एक अश्योरिटी दो कि भैया मेरे जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं, मेरे जो अकाउंटिंग सिस्टम पॉलिसीज हैं, दे आर ऑल सफिशिएंट एंड दे आर ऑल रनिंग टू एंश्योर दैट मेरा कुछ भी फ्रॉड हुआ नहीं है, या मेरे कंट्रोल सिस्टम जो है अगर फ्रॉड होता भी है तो मैं डिटेक्ट कर लूंगा वेरी वेरी इजीली. अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो मुझे आप लिख के बताओ कि आप डिस्क्लोज कर रहे हो टू द ऑडिटर ऑल द सिग्निफिकेंट फैक्ट्स. कुछ भी छुपा नहीं रहे हो आप ऑडिटर से, सब कुछ आपको बताना पड़ेगा. एंड जो रिस्क असेसमेंट आपने खुद ने की है अपनी कंपनी के बारे में, उसमें से क्या फ्रॉड इंडिकेटर्स निकल के आए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हेन इट कैन बी मटेरियली मिसस्टेटेड, प्लीज मुझे सबके सब बताइए. क्योंकि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द responsibility of the management first to find out fraud, and if a fraud has been found they have to compulsorily mandatorily tell it to the auditor. Nahi to it is a lacking, it is an illegal activity on the part of the management and they can be held responsible for it. Auditor unable to continue the engagement. Abhi last scene aisa ho jata hai kabhi kabhi, या तो फ्रॉड आपको लग रहा है कि फ्रॉड हो रहा है कंपनी में लेकिन मैनेजमेंट मुझे बता नहीं रही है क्योंकि मैनेजमेंट खुद ही इन्वॉल्व है, या फिर यू हैव फ्रॉड इंडिकेशंस बट यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई फ्रॉड. तो कभी कभी आप क्या करोगे, फॉर सम रीजन यू विल से कि आई कैन नॉट कंटिन्यू विद दिस पर्टिकुलर एंगेजमेंट. उसमें आप क्या करोगे, आप अपना ऑडिट विदड्रॉ कर लोगे. अभी रिसेंटली काफी सारे ऐसे केसेस हो रहे हैं जहाँ मेनी मेनी बिग फोर कंपनीज, जो बिग फोर ऑडिट फर्म्स है, दे आर विदड्रॉइंग फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग ऑडिट साइटिंग सम और दी अदर रीजन दैट दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स माइट बी मिस अप्रोप्रिएटेड. इसके लिए आप क्या करोगे, बेसिकली आप अपना प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जजमेंट लगाओगे. पहले देखोगे कि क्या मैं ये स्टेप ले सकता हूँ, क्या ये स्टेप लेना जरूरी है. अगर ये स्टेप लेना जरूरी है तो मैं जो मुझे अपॉइंट किया है उसको बताऊंगा कि भाई मैं ऐसा ऐसा स्टेप लेने के सोच रहा हूँ एंड दिस इज द रीजन वाई आई एम टेकिंग दिस पर्टिकुलर स्टेप. एंड अगर आप विड्रॉ करने की फाइनल कर लेते हो तो यू हैव टू इन्फॉर्म द मैनेजमेंट दैट यू आर विड्रॉइंग फॉर्मली, ओरली जाके नहीं, आप उनको लेटर दोगे या ईमेल दोगे कि फॉर दिस 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 रीजन आई हैव डिसाइडेड टू विड्रॉ. एंड आप ये भी देखोगे क्या आपको कोई रेगुलेटरी अथॉरिटीज को बताना है कि भाई मैं विड्रॉ कर रहा हूँ इस ऑडिट से, दिस इज द रीजन. जनरली इंडिया में इफ यू आर विड्रॉइंग from an audit you have to inform it to the MCA, जो Ministry of Corporate Affairs है, या जो central government की institutes है, उनको आपको बताना पड़ेगा. Especially if it is a listed company it becomes even more critical for an auditor to let know the shareholders and the entire world that I am withdrawing from this audit as an auditor due to so and so reasons. And fraud is a very sensitive area guys. Fraud आपने देखा है प्रीवियसली भी, इंडिया में सत्यम का केस ले लूं या मैं बाहर एनरॉन का केस ले लूं जो अमेरिका में हुआ था 2001-2002 में, उसके वजह से काफी सारे ऑडिट फर्म्स को इम्पैक्ट होता है. पीडब्ल्यूसी इन इंडिया लॉस्ट वेरी बैडली आफ्टर द सत्यम केस हैपेंड. एनरॉन जो ऑडिटर था, एनरॉन का जो ऑडिटर था आर्थर एंड एंडरसन, दे कोलैप्स्ड आफ्टर दिस पर्टिकुलर स्कैम और फ्रॉड केम इनटू पिक्चर. तो फाइनेंशियल फ्रॉड जो होते हैं दे आर वेरी वेरी difficult to identify because it is intentional and auditor has to be very very diligent, very very intelligent to be able to ensure ki ya to koi fraud hai nahi ya fir usne sub steps le liye hain jisse ki usko koi fraud mil raha nahi hai. So I have performed all my steps and I have not been able to see any fraud. Either of the two conditions have to be satisfied by the
ऑडिटर। तो दोस्तों ये था चैप्टर 5 आपके ऑडिटिंग का फ्रॉड रिलेटेड। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफी डिटेल में काफी बड़ा चैप्टर है। तो प्लीज सब्सक्राइब शेयर लाइक कर दीजिए। चैप्टर 6 के साथ भी बहुत ही जल्दी मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ आपको इसी फॉर्मेट में। अगर अभी आपको ये ब्लूप्रिंट चाहिए तो मेरा जो ईमेल आईडी है, या आप एक काम कीजिए, नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप अपना ईमेल आईडी छोड़ दीजिए, मैं आपको ये जो पर्टिकुलर हाईलाइटेड पीडीएफ है ये आपको भेज दूंगा आपके मेल आईडी पे। तो आप भी इसको रिफर कर सकते हैं, इजीली गो थ्रू कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल है, इट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग फॉर सीए एग्जाम्स। सो गाइस प्लीज लीव योर कमेंट्स बिलो इन द कमेंट सेक्शन, ईमेल आईडी दे दीजिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। पढ़ते रहिए, चैप्टर 6 के साथ बहुत ही जल्द हाजिर होने वाला हूँ। सी यू अंटिल देन।